फाइनली आई क्विट यूट्यूब एज अ यूट्यूबर। पर क्यों? आज से 25 दिन पहले मैंने 100 डेज ऑफ क्रिप्टो सीरीज की स्टार्टिंग की थी और आज उसका 25वां दिन है। उससे पहले मेरे 108 सब्सक्राइबर थे और आज 25 वीडियोस में अपना टाइम, एफर्ट्स और दिमाग लगाने के बाद, हर वीडियो को पिछली वीडियो से बेहतर करने के बाद, क्रिप्टो के मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को अपने अंदाज में इजी और इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करने के बाद, आज मेरे 205 सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब करा उनका दिल से धन्यवाद। क्योंकि मेरा यूट्यूबर माइंड कहता था कंसिस्टेंट रहकर अच्छी वीडियो बनाने से वो वायरल हो जाएंगे, 10-20 हज़ार व्यूज़ तो आने ही लग जाएंगे उन पर। पर हुआ इसका ठीक उल्टा, सिर्फ 4 से 5 वीडियोज ही मेरी 1,000 व्यूज़ पार कर पाई। पर मैं इतनी मेहनत करके क्रिप्टो के फंडामेंटल्स के ऊपर वीडियोस बनाए क्यों रहा था? मैं चाहता तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस बना सकता था। क्यों मुझे इस टॉपिक को लोगों तक पहुंचाने की लगी? क्या था मेरा मोटिवेशन 100 डेज ऑफ क्रिप्टो सीरीज को स्टार्ट करने का? तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। आज वो पहलू बताता हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। आखिर मैंने क्रिप्टो को ही क्यों चुना, या कहूँ कि क्रिप्टो ने मुझे क्यों चुना? बात अक्टूबर 2019 की है, जब मैंने क्रिप्टो को पहली बार पास से देखा था। मेरे जानने वाले भैया ने मुझे इथेरियम दिखाया जो उस टाइम 10,000 का था और उन्होंने 1/4 यानी 2,500 रुपये का मुझे खरीदने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। इसलिए नहीं कि मेरे पास उसे खरीदने के पैसे नहीं थे, क्योंकि इसलिए उस टाइम पे मैंने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के मुँह से सुना था क्रिप्टो एक स्कैम है, क्रिप्टो को कोई फ्यूचर नहीं है, क्रिप्टो में ना ही कोई करियर है। और आज वही इथेरियम 2 लाख रुपए से ज़्यादा का है, ऑलमोस्ट मेरे देखे हुए प्राइस से 20 गुना ज़्यादा। शायद उससे पहले मैंने इतनी बड़ी ग्रोथ कहीं और ही देखी हो। पैसे तो सबके लिए ही एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, पर कुछ ऐसा था जो मुझे इससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जो डिसेंट्रलाइजेशन की ओर लेके जाती थी, जो हमें ट्रेडिशनल सिस्टम के बंधन से निकाल मुक्ति की ओर लेके जाती थी। क्योंकि जब मैंने क्रिप्टो में एंट्री की तब बुल रन का पीक था और उसके ठीक बाद मार्केट गिरनी स्टार्ट हो गई थी। मेरे साथ कई लोग बिटकॉइन की हाइप में आए जरूर थे, पर देखते देखते वो सारे गायब हो गए। मैंने अपनी आंखों के सामने 2022-23 की बेयर मार्केट को बहुत पास से देखा था और साथ ही देखा कई लोगों को मार्केट से एग्जिट करते हुए, और वो क्रिप्टो के साथ टिकते भी कैसे, क्योंकि उन्हें क्रिप्टो के बेसिक फंडामेंटल तक नहीं पता थे, क्योंकि सब के सब सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए थे। और सच बताओ तो लोगों की भी क्या गलती, जब कोई फंडामेंटल्स पे बात ही नहीं कर रहा था। बियर मार्केट में तब हमने एक छोटी सी कम्युनिटी बनाकर एक दूसरे को हेल्प करना स्टार्ट करा और लगातार हम क्रिप्टो पे रिसर्च करते रहे और अलग अलग तरीके सीखते रहे। और सही बताओ तो हमने पूरी मार्केट की जड़ें खोद के रख दी। तब मैंने फैसला किया कि क्रिप्टो की फंडामेंटल नॉलेज को अपने अंदाज में एक्सप्लेन करूँगा। इस 100 डेज ऑफ क्रिप्टो सीरीज को स्टार्ट करने का पर्पस बिल्कुल सिंपल था। कभी कभी हम अपने माँ बाप के मुँह से सुनते हैं कि हमारे टाइम पे वो ज़मीन कितनी सस्ती हुआ करती थी, तो हमारे मन में ख्याल आता है काश हमारे माँ बाप वो ज़मीन खरीद लेते तो आज हमारा कितना बेहतर होता। शायद उन्हें रियल स्टेट की इस अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी ने नहीं बताया। कहीं आपके बच्चे आपसे ये ना पूछ ले कि आपके टाइम पे तो बिटकॉइन कितना सस्ता था, आपने क्यों नहीं खरीदा, और कहीं आप उनसे ये ना कह सको कि मुझे किसी ने समझाया नहीं। एज अ क्रिप्टो विजनरी मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, चाहिए तो वो कम्युनिटी जो इस क्रिप्टो जर्नी में मेरा साथ दे सके। अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो तो मैं मानता हूँ आप मेरी क्रिप्टो कम्युनिटी का एक अटूट हिस्सा हो। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर हमारी पर्सनल कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प करूँगा क्रिप्टो को समझ के उससे वेल्थ बनाने में। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं अकेला था, पर जब आप स्टार्ट करेंगे तो मैं आपके साथ होऊंगा और हम हर महीने में 2 बार लाइव स्ट्रीम के माध्यम से कम्युनिटी कॉल करेंगे, जहां पर आप डायरेक्टली मुझसे क्रिप्टो के कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे। मैं अपने 3 साल की रिसर्च और क्रिप्टो के एक्सपीरियंस से उनका आंसर दूंगा। चलो क्रिप्टो का सफर साथ में तय करते हैं और एक छोटी सी धरोहर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाते हैं। नमस्कार। द बिटकॉइन एंथम साल 2009 जनवरी की है बात, क्रिप्टो करेंसी की नई शुरुआत, दुनिया अनजान थी, था कितनों को ज्ञानी के बिटकॉइन फेर देगा पूरा इतिहास।